हो रही है. आई मीन इट्स द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. हाउ फ्रस्ट्रेटेड आर यू राइट नाउ? I am not totally frustrated because I feel that you have hope. We have hope, and the people are now responding to Tehreek-e-Insaf in a big way. But ye to bada gun chhod ke jayenge aap logon ke paas. Nahi, magar usko safaya to karna padega. Hum gun safai karne ke liye taiyar hain. Hum karenge. Aur main samajhta hu ki frustration nahi hai, magar hamare jo idare hain jo ye masail hal nahi kar pate. और जब हम देखते हैं कि हमारे हर जगह हमारे मुल्क में इन चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारे जो इदारे हैं उनकी जो इकदार हैं वो गलत सिम्त चली गई हैं. Absolutely. तो फिर एक गुस्सा आता है. फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं कहूंगा, गुस्सा. हाँ, गुस्सा आता है. Exactly, frustration तो जब होती है when you're completely helpless and you're not. Exactly, we're not. Yeah. We're very hopeful. हम समझते हैं कौम हमारे साथ है और हम तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह इस मुल्क में. इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स. अच्छा ये बताएं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप तो पुराने खिलाड़ी हैं और बहुत ही माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पीपल टू इमरान खान एंड द पार्टी. अभी जो नए पुराने सियासतदान जो हैं जो अपने इकतदार छोड़ के पुरानी पार्टी छोड़ के आपके साथ आ रहे हैं, हाउ इज दिस ट्रांजिशन इंटरनली आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? आर यू डिलाइटेड? आर यू हैप्पी? नहीं, हमने इसको कबूल किया. जो लोग आए, जो सीनियर रहनुमा आए, हमारी शर्त यही थी कि साफ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए. हम जानते हैं कि लाहौर के जलसे के बाद जब हमारी पार्टी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुल गए तो कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनको शायद हम इजाजत ना देते. मगर जो हमारे जो सीनियर कायदीन हैं, जैसे पंजाब से जावेद हाशमी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता. ये बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं. तो हम कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि और ये लोग हमारी पार्टी में मैं बड़े खुश असलूबी से पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं. और ये शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है, एसिमिलेशन. yeah. जो है वो अब आसान हो गई है. हम आहंगी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही. और हमारी पार्टी के जो कायदीन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनको, इन तमाम कायदीन को जिन्होंने नई हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, इनको कबूल कर लिया गया है. That's great. So you're all getting along very well. I think so. Yes. Yes. Yeah. Absolutely. You can disagree on certain things, but generally, I don't see कोई ऐसा मसला मुझे नजर नहीं आ रहा. अच्छा, that's good. That's good news for all of us. We're happy. Exactly. Yeah. Exactly. जब कोई तंकीद करते हैं, लोग बड़े आजकल तंकीद कर रहे हैं, टीवी पर नजर आ रहे हैं कि अगर ये तब्दीली वाली पार्टी है तो ये पुराने चेहरों को क्यों लेके आई है, इस तरह की ridiculous comments के. ये तंकीद बराए तंकीद है. और कि जी वो वहां थे, अब यहाँ आ गए, उनकी बाकियात और ये और वो. बात यह है कि देखें, नवाज शरीफ साहब 10 साल माशाल्लाह गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी 10 साल माशाल्लाह गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, खुद फिर वो माशाल्लाह गवर्नमेंट में, खुद उन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट बनाई. तो जो लोग हम पर तनकीद करते हैं उनको अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि उनका माजी कितना दागदार है. अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात, हमारे कायद का और जो भी नए रहनुमा हैं उनका माजी बेदाग है. अहम मसाइल पर उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, वो भी तो कुछ सोच समझ के आए होंगे. मगर इख्तलाफ जो होता है उसको दुश्मनी नहीं समझा जाना चाहिए. कसूरी साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों वजीर खारजा रह चुके हैं और उनकी सोच तहरीक इंसाफ की सोच से उस वक्त मुख्तलिफ थी. वो एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा थे जो हुकूमत की पॉलिसी ये नहीं बनाते थे तो क्यों और बनाता था. तो मगर अब वो हमारी जमात का हिस्सा है, हमारा मंशूर, हमारा प्रोग्राम, उसको फॉलो कर, हमारी सोच उसको फॉलो कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये जो तनकीद जो मुख्तलिफ से आ रही है, ये क्योंकि मैं समझता हूँ शिकस्त खुर्दा जहन की निशानी है. एब्सोल्युटली. या तो इसको मैं इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा. खैर, हम भी उसको ज्यादा अहमियत नहीं देंगे. हम अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी मजेदार बातें हैं जो नईम उल हक साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे. सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट मैसेजेस. स्टे ट्यून्ड इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा कंटिन्यू.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द वन एंड ओनली मिस्टर नईम उल हक. थैंक यू सो मच वंस अगेन. अभी आपको पहले मैंने कहा था ना कि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हल्का है. अभी तंग आ गए ना वो सारा वो जो वैरायटी होनी चाहिए है ना, एंड शुड बी समथिंग डिफरेंट. लोगों के इल्म में इजाफा होना चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है. और आप भी एक होस्ट रहे हैं, सेहतमंद हैं, आप भी एक होस्ट रहे हैं. मैं भी होस्ट रहा हूं, बिल्कुल. Do you ever miss it? Not really, because अब मैं सियासत में इतना ज्यादा मुलविस हो गया हूँ कि अब मैं टेलीविजन पे आता रहता हूँ, अक्सर प्रोग्राम में आता रहता हूँ, मगर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से आता हूँ. Yes, that's true. अच्छा, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले आप बड़े नाराज हुए, ग्लास अब थोड़ा सा इधर कर दूं. किसी एक सियासतदान ने बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और जैसे मैंने पहले कहा, कोई शरीफ आदमी होगा जो स्पिन डॉक्टर नहीं होगा उसको यकीनन गुस्सा तो आएगा. गुस्सा अभी भी है या थोड़ा कम हो गया आपका? गुस्सा है, मैं समझता हूँ गलत बात पे गुस्से का इजहार हो ही जाता है. किस हद तक होता है उसका इंहसार उस गलत बात की शिद्दत पर होता है जी. और ये वाकया जो पेश आया था, ये आपने क्लिप दिखा दी है? मैं दिखाती हूँ, आपकी इजाजत तो मैं दिखा दूँ. अगर दिखाना चाहे तो दिखा दें. मैं चाहती हूँ क्योंकि आप, मैं तो कई दफा देखी है. लोगों ने भी कई दफा देखी है और वो फिर से देखना चाहते हैं. देखना चाहते हैं जी, बिल्कुल. मैं चाहती हूँ एक दफा जरा एक क्लिप देखें नईम उल हक साहब इन एक्शन. Let's see it. हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. हम अमेरिका उनकी जमील साहब, यूसुफ साहब, मुझे कुछ गाली तो उन्होंने दी है ना. हाँ, मगर वो इसमें खैर, वो तो ये वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था और इसमें जज्बात जरा मुश्तल हो गए थे, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हमारी पार्टी के मुतालिक वो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल थे. बहुत ही ज्यादा. हाँ, बिल्कुल. और मैंने अपने गुस्से का इजहार किया और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है. और इमरान खान ने भी मुझे फोन करके कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखें जब कोई इस हद तक तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाता है तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है यकीनन. और अगर आप उसको खामोशी से या एक अच्छा बनने के सोच में उसको एक्सेप्ट करके निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो सही रद्द अमल नहीं है. और तो ये वाकया था, ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, इस पे हर किस्म के रिएक्शन आए, कई लोगों ने वो गाली नहीं सुनी, उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ा लिखा, मगर जिन्होंने सुनी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. मगर उसी जमाने में मैंने शुरू, यानी मुझे उसी वक्त गालिबन चंद दिन पहले ही मैंने तहरीक इंसाफ सिंध की सदारत संभाली थी. ओके. और वो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपने 8-10 दिन में इतनी शोहरत हासिल कर ली है, जो आप 10 साल तक सिंध के सदर रहते तो आप उसमें दाम लेती है. तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर मुझे फायदा पहुंचा. यकीनन. वेल, इट्स ऑल इन द पास्ट. इट्स ऑल इन द पास्ट. हाँ, 1.5 साल हो गया इसको. अच्छा, उसके बाद कभी ऐसा वाकया तो पेश नहीं आया? नहीं, इसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ. मैं समझता हूँ कि मौजूआत पर, इश्यूज पर, मसाइल पर बहस होनी, संजीदा बहस होनी चाहिए और सिविल तरीके से, तमीज से. ये जो मड स्लिंगिंग होती है ना, ये मैं समझता हूँ कि एंकर्स का भी फर्ज है, और मैं एंकर खुद रह चुका हूँ कई साल, कि इसको इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए. और ना ही मड स्लिंगिंग शुड डिफाइन अ पार्टी प्रोग्राम, पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू और पार्टी इमेज. होता यह है कि वो बाद पार्टियां लड़ लड़के वो वेरी अनडिग्निफाइड. उनकी शनाख्त इससे होती है, शनाख्त होनी चाहिए कि वो इस कॉम के लिए क्या करना चाहते हैं. पब्लिसिटी, उससे ज्यादा तो क्या है ये? Exactly. अच्छा, बात हो रही पब्लिसिटी वगैरह की, रिसेंटली मानवी मेहमान साहब अच्छी, उन्होंने काफी थोड़ा सा स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की. शी वॉज ब्लेमिंग पीटीआई या थिंक टैंक जो पीटीआई की है फॉर नॉट delivering what they promised her. नहीं, देखें वो जो मारी मेमन ने कहा है वो इसलिए गलत है कि इमरान खान ने वादे कर दिया था, और ये हमारी पार्टी में है कि जो भी अहम फैसले होते हैं उसकी तौसीक
उसकी जो मंजूरी है वो सेंट्रल इलेक्टोरल कमेटी से लेनी होती है। इमरान खान ने जो मारवी को कहा था कि हम तुम्हें बनाएंगे, ये कहा था कि और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कंसिडर करेंगे, मगर ये तो मारवी को शायद इल्म नहीं था कि हमारा तरीका कार क्या होता है। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि जी वादा कर लिया और वादे से फिर गया, ये है वो है। मगर हमारी पार्टी में बड़ी शदीद मुखालफत थी कि मारवी को कोई वादा दिया जाए, क्योंकि मारवी मुशर्रफ हुकूमत का एक हिस्सा रही है, राइट। और उन्होंने उन तमाम पॉलिसीज के खिलाफ काम किया जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज थी, तो इसलिए बड़ी शदीद मुखालफत थी। और उसकी वजह से इमरान खान ने भी मतलब खुद तस्लीम करना पड़ा कि पार्टी नहीं चाहती कि इनको कोई ओहदा दिया जाए। जाहिर है पार्टी को साथ लेकर चलता है, दैट्स डेमोक्रेसी, इसी तरह इसी का नाम है डेमोक्रेसी। तो वर यू सैडन्ड, वर यू सरप्राइज्ड के विद दिस होल शी वाज कमिंग आउट एंड शी वाज ब्लेमिंग द पीपल विद इन पाकिस्तान तहरीक? नो नो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इमरान खान के खिलाफ बेशुमार लोग एलिगेशन लेकर आते हैं, हम उनको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते। हम समझते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान कौन है क्या है। अगर मैं आपसे कहूं और किसी से जाकर नहीं, इमरान खान बड़े ईमानदार शख्स हैं, तो ये वक्त की बर्बादी होगी। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी, ये आपके एयर टाइम स्टेटिंग द ऑबवियस। हां, स्टेटिंग द ऑबवियस। तो मैं समझता हूं कि कौम ने इमरान खान की दयानत, उनकी कायदाना सलाहियतें, उनकी नेक नियति, उनके हर काम में देखी है, उनकी कारकर्दगी के मुतालिक राय कायम कर ली है। पाकिस्तानी कौम मैं समझता हूँ इस बात के नतीजे में पहुंच चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान के मैदान सियासत में सबसे अच्छा, सबसे काबिल जो कायद है वो है इमरान खान। अब मैं समझता हूँ कि कौम ने फैसला कर लिया। अब मैं बार बार मैं इमरान के अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, हम डिफेंड करने की कोशिश करें, लगाते रहे इल्ज़ाम, वो लगाएंगे, अंगूर खट्टे वाली बात होती है उसमें। मैं इनको इतनी अहमियत नहीं देता ऐसे इल्ज़ाम को। You should be above that, anyways. Exactly. That's part of the game. Occupational hazard है. बिल्कुल है. अच्छा ये बताएं, on a positive note, when's the next big jalsa again? Inshallah, एक तो हमारा 20 अप्रैल को क्वेटा में हो रहा है. माशा. और एक और बहुत बड़ा जलसा मैं हैदराबाद में इंशाल्लाह करने का प्रोग्राम है, वो भी अप्रैल के महीने में। इमरान खान साहब ने अभी इसके लिए तारीख फाइनल नहीं की है, मगर ओके हो गया। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमारा उमरकोट में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, और सियालकोट में है एक जलसा, सियालकोट में हो रहा है मेरे ख्याल 23 मार्च को होगा शायद। और तो ये जलसे होते रहते हैं, होते रहेंगे। और कराची जितना बड़ा जलसा शायद अभी फौरी तौर पे मुमकिन ना हो, मगर हम मैं समझता हूँ इंतखाबी मुहिम का जब बाकायदा आगाज होगा तो कराची का जलसा जो है उससे बड़े जलसे हम कराची में भी करेंगे और जगह भी इंशाल्लाह होंगे। आपने तैयारी पूरी पकड़ी हुई है नेक्स्ट इलेक्शन की? तैयारी हम ने शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पे तैयारी हो रही है, और ये कोई आसान काम नहीं है इंतखाबात के लिए जमात को तैयार करना। हमें 1000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनने होंगे, हमें अपने पार्टी के मंशूर का ऐलान करना होगा, हमें अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने होंगे, और हमें बाकायदा इंतखाबी मुहिम, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो होती है उसका तायुन करके उसके मुताबिक पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। तो ये हर सतह पे काम हो रहा है, सूबाई, लोकल, कौमी सतह पर काफी लोग इसमें काम कर रहे हैं। मतलब हमने इलेक्शन सेल बनाए हैं, वेरी गुड, वहाँ पे काम हो रहा है, वोटर लिस्ट, वोटर रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है जो क्विक एंड फास्ट क्वेश्चंस का एक छोटा सा राउंड है, इट्स अ बिट फन, एंड यू बीइंग अ होस्ट एंड अ गुड स्पोक्समैन लाइक यू आर, आई एम श्योर यू डू वेरी वेल। शुरू करें? करें। हल्की फुल्की बातों से शुरू करते हैं। आपकी मोस्ट मेमोरेबल चाइल्डहुड इंसिडेंट वगैरह, फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? ओहो, ये तो सोचना पड़ेगा, बहुत सारी मेमोरीज चाइल्डहुड की मेमोरीज बहुत होती हैं, बहुत हैं। मोस्ट मेमोरेबल मेरा ख्याल है चाइल्डहुड में मेरी बहन की शादी, बड़ी बहन की। मैं 4-5 साल का था और मुझे याद है कि वो हमारे घर में शादी थी, हम बड़े फैसिनेट हो रहे थे। मेरी बहन जब दुल्हन बन के आई तो मैं हैरान रह गया, वो मेरे दिमाग में भी एक तासुर है। और
उसके बाद हम कराची से जब पंजाब शिफ्ट हुए तो ट्रेन का सफर जो था नया था आपके लिए, नया था पहला, अब तो ट्रेन ही बंद हो गई है ना।